बताओ क्या क्या मंगवाना है। अच्छा जी, सबसे पहले आप लिखें 3 बड़े पैकेट लार्ज साइज पेपर के। अरे मोमो, ये सहरी और अफ्तार के सामान की लिस्ट बन रही है। हाँ तो क्या मैं अपने लोहे को सारे रमजान लगोट बांधूंगी। माँ जी आप चुप रहे यार, आप लिखे महमूद साहब। भाई मैं महमूद साहब क्यों लिखूं? अरे सामान लिखे यार, खजला लिखे खजला। खजला यार, ये खजला कैसे लिखते? आपको खजला लिखना नहीं आता? नहीं। ओहो, किस जाहल आदमी से शादी कर ली है मैंने। चल पुत्र तू बता। माँ जी आपको तो पता है मेरी उर्दू कमजोर है, नबी तुम बताओ। मुझे बताने की क्या जरूरत है, ये तो माँ जी भी बता सकती है। क्यों माँ जी? अवश्य अवश्य, चलो फिर लिखो जी। खे जे खज तलाम जबन ला खजला। वाह भाई वाह मोमो वाह। मैं मुझसे बेसन जरूर लिख लीजिएगा। लेकिन बेसन तो हमारे घर में है, तीनों वॉशरूम में। माँ जी बेसन पकौड़े बनाने के लिए चाहिए। आए तू वॉशरूम के बेसन में पकौड़े बनाएगी? ओ माँ जी खाने वाला बेसन यार। मैं मुँह साहब, आप माँ जी को छोड़े ये लिखे यार। मैं तुम्हारी माँ को छोड़ रहा हूँ, लिख दिया। दिलील के महीने तेरा मुँह ना उछलूंगी मैं। अरे मोमो ना करो, मेरा वजू टूट जाएगा भाई। लो भाई नबील, लिस्ट तो तैयार हो गई। वेरी गुड महमूद साहब। लेकिन नबील, ये कम से कम 15,000 रुपए का सामान आएगा। 15,000? जाओ जानू 15,000 लेके आओ। मेरे पास 15,000 रुपए नहीं है नबील। क्यों पुत्र, तेरे बाप ने रमजान का खर्चा नहीं भेजा? माँ जी पापा उम्रे पे गए हुए हैं। ओए होए। अरे ये क्या बात हुई भाई, तुम्हारे पापा को ये फिक्र नहीं थी कि हमारा रमजान कैसे गुजरेगा? हद होती है लापरवाही की। शट अप नबील। जानू फिर ये सामान कैसे आएगा? मेरे पास बस 3,000 रुपए होंगे अंदर। हाँ जी मेरे पास है 1,000 रुपए। और मेरे पास कुल मिला के 3,000 रुपए ही होंगे। मेरे पास कितने हैं? मेरे पास आइडिया है महमूद साहब, 7,000 का सामान ले आते हैं। एक हफ्ते के बाद खूबसूरत के पापा ने आ जाना। कैसा? वेरी गुड आइडिया। जाएं फिर सामान लेके आए। यार नबील इतनी गर्मी में मैं बाहर नहीं निकलूंगा और मुझे वैसे भी रोजा लग रहा है। महमूद साहब अगर आप सामान नहीं लेके आएंगे तो इफ्तारी कैसे बनेगी यार? ला पुत्र मुझे पैसे दे, मैं इफ्तारी लेकर आती हूँ। माँ जी इफ्तारी नहीं लानी, इफ्तारी का सामान लाना है। हाँ मैं वो भी ले आऊंगी, ला दे। बस मैं यूं गई तो यूं आई। चलो चलो पैसे निकालो, सारे पैसे निकालो। पैसे तो अंदर है। ये लिस्ट तो पकड़ लो। मैं तो जराब में रखा है ना, तो लेकर आती हूँ पैसे। मेरे भी अंदर ही पड़े हैं। अब तो मैं क्यों जा रहा हूँ, जाए लाए पैसे। मैंने तो आइडिया देना था, दे दिया। सामने वाली दुकान से जूस तो पकड़ ला। वो तुम्हारा रोजा नहीं है, है? वो तुम हमारे गाड़ी से क्या घर आ गए क्या? हम तुमको घर नहीं छोड़ेगा। कहाँ पर है तुम, रोजा नहीं रखते? आए किसने कहा मैं रोजा नहीं रखती, रोज रोजा रखती हूँ। हाँ फिर तुमने जूस क्यों मांगा? वो तो मैंने अपना मुंह धोने के लिए मांगा था। तुम जूस से मुंह धोएगा? हाँ जूस से मुंह धोने से ना वो बड़ी अच्छी होती है। वो क्या? वो जो मुंह के ऊपर होती है नाक। हाँ नाक तो नाक के अंदर होती है। वो खाना खराब हमारा नाक में दम मत करो, हमको रोजा लग रहा है और वैसे भी हमको रोजा खोरों से नफरत है। हाँ एक बार हमारा गाड़ी में एक सवारी बैठ के बर्गर खा रहा था, हमने उसको इतना मारा कि वो मेरे ख्याल से मैं जूस खुद ही ले लूंगी। अरे माँ जी आप आ गई। आए पुत्र अदील मेरे बच्चे। नबील। हाय अदील के बच्चे नबील, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ माँ जी। कितना दुबला हो गया देखना। अरे मोमो लगता है तुम्हारे चश्मे का एक नंबर और बढ़ गया है। अरे तुम बाजार गई थी को मुल्क से बाहर तो नहीं गई थी? जा मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ ना। माँ जी आपका रोजा है। घटिया इंसान, अच्छा खासा भूले से पानी पी जाती, तुझे क्या मौत आ रही थी जो याद दिला दिया घटिया इंसान। अरे वो सब छोड़े माँ जी, ये बताए सामान क्या है? सामान मेरे पर्स में पुत्र है। ये देखना मेरे पर्स में सारे सामान है, लिपस्टिक भी है, चश्मा रखा है, नाड़ा की लकड़ी भी है, तो कौन खजाने का आला भी है, सारी चीजें हैं। वो माँ जी मैं सहरी और अफ्तारी के सामान की बात कर रहा हूँ यार। ना वो मेरे पर्स में कैसे आ सकता है? अरे तो सामान कहाँ है? वो तो मैंने टैक्सी में रखवा दिया था। जाओ यार नबील टैक्सी से सामान लेकर आओ। तो टैक्सी तो चली गई है मकरूज। क्या? हाँ ओ यार माँ जी आपने क्या कर दिया। चुप लोगों को क्या रोजा लग रहा है?
और चुप करे माँ जी। तबीर मैंने तुम्हें कहा था माँ जी को ना भेजो सामान लेने, वो भूल जाएंगी। नहीं नहीं रुकिया, मैं कुछ भी नहीं भूली थी, एक एक चीज याद थी, मैंने सब खरीदा था। अरे तो फिर टैक्सी में से सामान निकाला क्यों नहीं? हाँ बस ये यही भूल गई हूँ मैं। अरे यार नबील अब क्या करे यार, हफ्ते भर का सामान चला गया। हाँ महमूद साहब अब तो पैसे भी नहीं है, और खूबसूरत के पापा आएंगे भी एक हफ्ते बाद। अब हम रोजे कैसे रखेंगे नबील? जानू रोजे तो बाद में रखेंगे, आज सोचो अफ्तार कैसे होगी। अरे यार नबील मैं तो कहता हूँ मस्जिद चलकर रोजा खोल लेते हैं। और हम क्या करेंगे? जानू लोग बगैर सहरी के भी तो रोजा रखते हैं ना, तुम बगैर अफ्तारी के ना रोजा खोल लो। शट अप नबील। ओके जानू चले महमूद साहब, चले मस्जिद चल के अफ्तारी करते हैं। यार खबरदार कोई कहीं नहीं जाएगा, अफ्तारी का वो मैं करूंगी। अरे वो क्या? वो जो बंद होता है। बंदोबस्त? हाँ जी अफ्तारी का बंदोबस्त मैं करूंगी। अश्शाबाशे। खबरदार मेरी लाइन बोली। मुन्ने वो देखो चिड़िया है। चिड़िया नहीं है कौवा है। हा? चलो हटो मुझे अफ्तारी लेकर जानी है। कहाँ लेके जा रहे हैं मुन्ने? सामने नुकसान डी गए। अश्शाबाशे ना मैं भी उधर जा रही हूँ, मुझे दे दे मैं बचा देती हूँ। नहीं नहीं अम्मी ने कहा था बर्तन वापस लेकर आना। हाँ तो बर्तन वापस ले जाना उधर से। लेकिन रुखसाना आंटी का घर तो वहाँ है। चुप है। इंतजाम तो हो गया अफ्तार माँ जी। हाँ सैरी का इंतजाम तो हो गया अफ्तार। अरे लेकिन मोमो तुम ये अफ्तारी लाई कहाँ से हो? मल्ले के बच्चे से छीन कर। क्या आप किसी बच्चे से अफ्तार छीन कर ले आई हैं घर में? हाँ तो वो जान लेके जा रहा था तो उसने भी रोजा ही खोलना था, हमने भी रोजा खोलना है। नबील कान खोल कर सुन लो, मैं चोरी की अफ्तारी नहीं खाऊंगी। हाँ तो मैं ये तेरे लिए लाई भी नहीं हूँ राबिया है। ये सिर्फ मेरी और मोमो की अफ्तारी है ना मोमो? ये सिर्फ मैं खाऊंगी, जिसको भी चाहिए खुद मेहनत करे, छीन के लाए तो खाए। ठीक है मैं भी अपनी अफ्तारी का बंदोबस्त खुद कर लेता हूँ, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। अभी लो। माँ जी ये क्या कर रही है? अफ्तार कर रही हूँ पुत्र। अजान तो होने दे यार। अजान तो एक घंटा पहले ही हो गई थी पुत्र। ओ माँ जी वो असर की अजान थी। अच्छा बच्चे अबे जा जा, बोल देना अपने भाई को जाके कि नबील तुमसे अफ्तारी छीन कर भाग गया है, देखता हूँ वो क्या बिगाड़ता है मेरा। चलो भाग यहाँ से। अरे मोमो पकौड़े भी हैं, समोसे भी, जलेबी भी। हाँ मेरे पास तो अंगूर भी है। अंगूर? अरे बेवकूफ ये अंगूर नहीं है, खजूरें हैं। खबरदार जो मेरी इफ्तारी पर नियत लगाने की कोशिश की हो तूने तो। अरे मुझे इस जीनी हुई इफ्तारी से अपना रोजा नहीं खराब करना। अच्छा? हाँ महमूद साहब हम सबर करने वाले लोग हैं, हम लोग एक गिलास पानी से इफ्तारी कर लेंगे, क्यों जानू? जी नहीं मैं पानी से नहीं अपना रोजा खोल सकती, तुम भी जाके देखो नबील शायद कोई बच्चा हो इफ्तारी के साथ, जाओ उससे लो। ओके जानू जाता हूँ तुम्हारी खातिर जानू। अच्छा है बेटा अफ्तारी का टाइम होने वाला, तुम कहाँ घूम रहे हो? मैं अफ्तारी बांटने जा रहा हूँ। बेटा मुझे दे दो मैं बांट देता हूँ, तुम जाओ घर। शाबाश मुझे दो। मैं नहीं दूंगा। अबे दे इधर। अम्मी ओए गठिया आदमी, इतना बड़ा एक्टर बन के बच्चों से खाना छीनता है क्यों? अब भाईजान मैं तो मस्जिद में लेके जा रहा हूँ अफ्तारी, लेकिन अजान का वक्त है, मैंने भी रोजा खोलना है, मुझे जाने दे प्लीज। मेरा तो रोजा हम खुलवाते हैं। मेरी बात तो सुनो। मेरी बात तो सुनो। तो फिक्र मत करो जुलेखा, हमारे साथ अफ्तारी कर लेना। जी नहीं मुझे नहीं आपकी अफ्तारी चाहिए, आ गई हमारी अफ्तारी। नबील अफ्तारी कहाँ है? मैंने अफ्तारी कर ली जानू। नबील तुमने तो कहा था जो तुम अफ्तारी में खाओगे वही मुझे खिलाओगे। अच्छा ये लो। नबील जानू मैंने भी रोजा इसी से खोला है। क्या? हाँ। अरे आ जाओ भाई हमारे साथ ही अफ्तारी कर लो।
क्या याद करोगे? हाँ जी। यार महमूद साहब आप अपने कमरे में जाएं यार। अरे यार उधर तुम्हारी माँ है और तुम अपने बाथरूम में क्यों नहीं जाते हो? वहाँ खूबसूरत है। क्या? हाँ क्या हुआ माँ जी? अरे जान ने लगता है जानू पकौड़ों ने हमारा पेट खराब कर दिया है। मुझे भी यही लगता है नबील। जानू ख्याल से आए रे। मुझे तो लगता है चोरी का खाना खाने की वजह से सजा मिली है कि हमारे पेट खराब हुए। जानू मैंने तो मार भी खाई थी, मेरा क्यों पेट खराब हुआ है? मेरी तो लैट्रिन जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। आप चले जाए मेरी जगह सबक तलीन। अरे मेरी तो हिलने की भी हिम्मत नहीं हो रही। अरे नबील, अरे मैं कल का रोजा नहीं रखूंगा। मेरी सैरी करने की हिम्मत नहीं है महमूद साहब। हालत में तो कुछ खाया भी नहीं जाएगा ना। मगर तुम फिर भी खा लोगी। खाएंगे भी कैसे माँ जी, घर में जहरी का सामान ही नहीं है। तो क्या हम कल का रोजा नहीं रख पाएंगे जानू? क्या? अरे लेकिन मैंने तो सोचा था कि इस मर्तबा मैं सारे रोजे रखूंगा, लेकिन अब मजबूरी है, क्या किया जाए। खबरदार किसी ने रोजा छोड़ने का सोचा भी हो तो। माँ जी बगैर सहरी के इतना लंबा रोजा कैसे रखेंगे यार? रोजा किसी हालत में माफ नहीं है इल्ताफ। नबील, नबील की हालत में भी माफ नहीं है। तो फिर क्या करें महमूद साहब? अरे मेरा ख्याल है डॉक्टर आमिर की लियाकत को फोन करके पता कर लो। हाँ ये ठीक है। हेलो डॉक्टर साहब, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? क्या आप गालिब फिल्म देख रहे थे? डॉक्टर साहब ये बताइए कि अगर घर में कुछ खाने को ना हो तो रोजा छोड़ा जा सकता है? अरे अच्छा, वाह 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 वाह, ठीक है डॉक्टर साहब आप ना गालिब फिल्म देखें। ओके बाय। अरे क्या कहा डॉक्टर साहब ने? वो कह रहे हैं कि जिसके पास रोजा खोल के खाने को कुछ ना हो वो रोजा ना खाए तो नाचार क्या करे? नाचार अचार खा ले। इस बात का क्या मतलब हुआ नबील? जानू वो कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी हालत हो कि आप रोजा ना रख सके तो मस्कीन को खाना खिला दें, बाद में गिनती पूरी कर लें। नबील अगर मस्कीनों को खाना खिलाने के लिए कुछ होता तो हम खुद सहरी करके रोजा ना रख लेते। जानू तुम्हारे पापा कभी ना कभी तो आएंगे ना, तो मस्कीनों को खाना खिला देंगे। इसका मतलब है कि कल रोजा नहीं रखना। चलो मैं भी जरा आराम से सो के उठ जाऊंगा, अब क्या करें मजबूरी है। मैं तो रात देर तक जागूंगा। लोग रोजा छोड़ने पे कितना खुश हो रहे हो? अरे ये खुशी तो सिर्फ ऊपरी है, अंदर से तो मैं बहुत दुखी हूँ। हाँ जानू मजबूरी जो है। चलो आओ फिल्म देखने हैं जानू। शट अप नबील। ओके जानू। माँ जी, माँ जी ना करे इस तरह। महमूद साहब माँ जी का, माँ जी। यार महमूद साहब इस वक्त कौन आ गया है यार? अरे हो सकता है सहरी में जगाने वाले होंगे। महमूद साहब उसे बताएं जाके यार हमने रोजा नहीं रखना। अरे ये बताने की क्या जरूरत है नबील, उन्हें बता देते कि हम उठ गए हैं। हाँ ये ठीक है यार, जाएं बताएं फिर चले। नहीं नहीं मैंने अकेले नहीं जाना, मुझे डर लगता है। महमूद साहब आपको जो लगता है वो डर है? हाँ जी। दुआ करें कोई हमसाया ना आ गया हो सहरी लेके, वरना रोजा रखना पड़ जाएगा महमूद साहब। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओ भाईजान शाम को हमने बाजी को इस घर में छोड़ा है। अपनी बाजी को? वो नहीं, वो चश्मे वाला बाजी को। मुझे लगता है महमूद साहब ये माँ जी की बात कर रहा है। हैं? अरे तू है कौन? ओ भाई हम टैक्सी वाला है, वो बाजी हमारा टैक्सी में अपना राशन भूल गया था, हम मेमन गोट से राशन का सामान देने आया है। अरे खान साहब कोई जल्दी वल्दी नहीं है, आपने 3-4 दिन बाद आकर दे दीजिएगा। अरे नहीं भाई, हमने सोचा कि तुम लोगों का रोजा ना रह जाए इसलिए हम वापस आए। अच्छा, हम रोजे के मामले में बहुत सख्त आदमी है। हाँ हमको रोजा खोर लोग बर्दाश्त नहीं होता है। अपनी गाड़ी में रोजा ना रखने वाले 2 बंदों का कत्ल कर चुका है हम। और यार हमारे यहाँ से सामान लो और सहरी बनाओ, हम भी रोजा यही रखेगा। महमूद साहब देख क्या रहे हैं यार, सामान पकड़े और सहरी की तैयारी करें। मुझे खुद रोजा खोर लोग पसंद नहीं है। मामा उठो, सहरी का वक्त हो गया है।
चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है।